सो गाइज, आज की ताजा खबर, आज हम लोग आज अमित कर रहे हैं बैंडेज अपने पैर की, जो थोड़ा बहुत इनका जख्म रह गया है, ये देखो ठीक है। और मैं आपको बताऊं, इनकी हड्डी बाहर आ गई आज, दिखाना हड्डी, बहुत टेंशन की बात है यार। ऊपर ड्राई ड्राई होता है, मैंने अगर खुला था कि मैं निकाल देता हूँ, ड्राई ड्राई तो थोड़ा सा जल्दी जख्म सूख जाएगा, हाथ में हड्डी बाहर आ गई। गाइस ये देखो इसी का ऑपरेशन कराया था, यही बाहर आ गई। मैं खुद देख के हैरान हो गई, क्या चीज से कैसे बाहर आ गई। मुझे लगा देखो इसमें ना वैसी ड्रिल जो उन्होंने किया, ड्रिल करके जो वायर डाली, दो ये देखो, ये सब है ये जोड़ने के लिए लगाया था ना। हाँ ये जोड़ने के हाँ लिए। मैं आपके साथ इसका एक्सरे भी शेयर करूंगी, जो उन्होंने एक्सरे लेके हमें दिखाया था कि ये हम इसको जॉइंट कर रहे हैं, इसी के लिए हम वायर डाल रहे हैं। ये दिस पीस ऑफ बोन वॉज क्रैक्ड इन हिज दिस फिंगर, और ये ही बाहर आ गया आज बैंडेज में यार, जख्म नहीं सूख रहा है। हमें दिखाना चाहिए, हमें तो हॉस्पिटल में दोबारा दो मिनट दिखा लिया, क्या करूँ यार, चक्कर ही काटता रहूँ इतनी उंगली के लिए, दुखी हो गया मैं यार। इतनी बड़ी सर्जरी है, लेफ्ट लेग में थी वो ठीक हो गई है, लेकिन ये फिंगर नहीं ठीक होने में आ रही है, बहुत दुखी कर दिया फिंगर ने। पैर देखो, लेफ्ट वाला पैर, ये देखो, ये इतनी बड़ी सर्जरी हुई, ये ठीक हो गया, ये भी तो ऊपर नीचे हो गया, इसमें भी बम्पर बना दिया उन्होंने। अरे वो प्लेट डली हुई है ना, वो तो अब डेढ़ साल बाद निकलेगी यार। नहीं ये देखो, यहाँ हाथ लगाओ, ये चीज ना ऊपर है, उठी भी है ऐसे करके यहाँ पे। सुनो जो कुछ है अंदर वो तो दिखेगा ही ना, बाकी जगह पे क्यों दिख रहा, यही क्यों दिख तो रहा? बाकी जगह पे हड्डी है, वहाँ पे आर्टिफिशियल हड्डी है। अबे आर्टिफिशियल हड्डी क्या होती है? अरे यार ऑपरेशन यार, यहाँ से लेके यहाँ तक चीरा लगाया हुआ है, ठीक है, कट मारा हुआ है, तो इतना प्लेट है, इसके अंदर प्लेट है। अब यहाँ पर कोई चीज नट या कोई चीज ऐसे वहां से कुछ ऊपर रह गया, जो चीज से ही ऊपर उठा हुआ है, ये देखो ना, यहाँ तो कोई कॉटन वॉटन की चीज रख दी उन्होंने अंदर, भूल गए यार। मैं पता अजीब सा होता है देख के भी, है कि नहीं है, पता नहीं यार। ठीक हो ना तुम? मैं तो ठीक ही हूँ, भाग ही रहूंगा बस फिर। सो गाइस अब इनको हॉस्पिटल, आज दुखी कर दिया, आज ने और डरा दिया, आज तो मैं भी डर गई यार, जिस चीज के हमने इतने पैसे फूके, सब कुछ करा, वही बाहर आ गया। ये देखो। अरे यार मैं सोच रहा हूँ है क्या यार, ये एकदम इतना दिनों से बाहर था, डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, हमें दिखाना पड़ेगा, सैंपल रख लो, सैंपल रख लो, इसको दिखाते हैं। भाई तूने तो हमें उल्लू बनाया, दो महीने से तो बाहर ही आ गया। तुम्हें पेन हो रहा है? तुम्हें बात, तुम्हें पेन हो रहा है? जब टूटी थी तो पेन कितना था? अब नहीं है पेन, अभी तो मैंने लगा वो हल्का ऊपर था। सुनो, इसी की वजह से तुम्हारा जख्म नहीं सूखा था, अब सूख जाएगा, और ये बाहर आ गई, एक्स्ट्रा हो गई, अब वहाँ पे नहीं उगेगी मुझे लग रहा है। पापा को दिखा दो, डॉक्टर के लिए भी रख दो, संभाल के हाँ इसको संभाल लो, इसके लिए हम म्यूजियम बनाएंगे, इसके लिए एक म्यूजियम बनेगा, ये डलेगा उसमें, रॉड डलेगी, वायर डलेगी, इसके लिए म्यूजियम बना देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक फ्लैट में लोग आएंगे विजिट करने। गाइस पढ़ाई करने बैठी हूँ और बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है, पता नहीं क्या हो गया, ऐसा लग रहा है अभी पहले कॉफ़ी बना लूँ, फिर चाय बना लूँ, फिर खाना भी बना ही लेती हूँ। सीरियसली कह रही हूँ, दो दिन हो गए पढ़ाई को टालते 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 टालते, और पेपर है वेडनेसडे से, फर्स्ट सेमेस्टर ऑल क्लियर, अब ये सेमेस्टर मुझे लग रहा है एक भी क्लियर नहीं होगा, बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की मैंने इस सेमेस्टर में। चलो यार पढ़ लूँ, जितना बड़ा मेरा रूम है ना उतना बड़ा तो मुझे मेरे क्लोजर चाहिए, ओके? अच्छा। एंड उसमें मैं सबके लेटर दोस्त बनाऊंगी, कूल कपड़े एकदम, मेरे टॉप सेलर, क्रॉप टॉप सेलर, एंड जैकेट सेलर। अच्छा अच्छा अच्छा, और बस हाँ, मैं तो अपना रूम भी इतना कूल बनाऊंगी ना, एकदम नियॉन लाइटिंग के साथ, एंड जो मेरा पीसी होएगा ना उधर भी पूरी नियॉन लाइट, फेरी लाइट्स लगवाऊंगी, एंड अच्छा ना, ठीक है, ड्रीम रूम होगा तेरा। और मैं जूते नहीं रखूंगी ये जो यहाँ पे पड़े, शूज बोलते हैं, शूज नहीं रखूंगी जो यहाँ पे पड़े, मैं बस हील्स, एंड इसके ऊपर थोड़ी सी जगह दे दूंगी अपने रूम में, थोड़ी इसका रूम मैं अलग बनाऊंगी, क्लोजेट में दे सकती। बाबू तेरे को कैसा रूम चाहिए? कुछ नहीं, क्यों तेरी इच्छा नहीं है जिंदगी जीने? मम्मा मैं बताती हूँ गाइस, ये रुचि ने बेड आ रखा है एंड परफेक्ट रूम है इसके लिए, ये आराम से सो सकती है। दहेज वाली अलमारी है ना, वो लोहे वाली, मुझे मेरी दहेज में मिली थी, दहेज में लोहे। अरे किसी को तो संभाल के रखनी पड़ेगी ना बहन, है ना मम्मी?
मैं अपनी वसीयत बाबू के नाम करूंगी, मेरे दहेज का सारा सामान बाबू को जाए। अरे 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 यार दुबई कैंसिल, दुबई कैंसिल, एक महीने तक किसी को मारूंगी नहीं, लड़ूंगी नहीं। तेरे को गुस्सा आ गया मम्मा? मम्मा एक महीने के लिए तुझे गुस्सा नहीं आना था मम्मा? जो हमने इसलिए रूम देखा था ना एटलांटिस में, वो भी कैंसिल, और जो ब्रेकफास्ट था बता दे इसी में। अच्छा मम्मा एक बात बताओ ना, लड़ो भी हैं हमें, मारो भी और हम तुम्हें खिलाएं भी और फिर हमें इसे सुलाएं भी। हाँ, और सबसे ज्यादा खिलाएं, और मम्मी इसे छोड़ के मैं सुन इसे लंच भी बनाए इतनी। सही बात है। ए देखो हां पापा छोटे मुझे ठीक है, और ना चाट देते हो क्या? क्या क्या पापा मुझे छोड़ते हैं? तू छोटे हो, तुम छोटे हो? नहीं पापा मुझे छोड़ते हैं, पापा छोटे। हाँ हाँ मेरा नहीं छोटा। हाँ तो इसमें क्या बात हो गई? तो इसकी फरमाइश होना भी तो बनता है। ये तो कोई बात ही नहीं हुई, लंच बांधना और पापा का छोड़ना। देख आप मुझे मम्मा। हाँ नहीं बोलो बोलो। पढ़ाती तुझे तेरे मैंने से ABCD नहीं कराई थी? हाँ लेकिन अभी 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 ये तो एक 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 मिल्कशेक मेरा है, एक मिल्कशेक दीदू का है। तुमने लड़ाई कर ली, तुमने कहा था एक महीने तक लड़ाई नहीं करूंगी। हाँ, और हमें मारा भी है, कल भी मारा था हमें रात में। अभी बताओ क्या करना है? पानी। मम्मा मेरे पास सबसे अच्छी ट्रीट है, इसे खिलाते ही नहीं। सो रिफ्रेशमेंट हो रही है दोनों की, लड़ भिड़ के बाबू को मिल गया है एक शेक पूरा, और बर्गर भी। ओके माया को खाने से कोई प्यार है नहीं, तो ओके माया सिर्फ शेक से काम चला रही है। क्या बाबू क्या? हाँ क्या कह रही है? उसका मेन्यू इतना अपग्रेड हो गया है, आप सुनो टीचर्स के लिए मिलती है ये तो, कॉफ़ी मिलती है, चाय मिलती है, एंड हमारे लिए फ्रूटी है, लेमनेड है, एंड चाउमिन है, चाउमिन कैसे थी, ब्रेड पटोड़ा है, छोटी छोटी है, और फ्राइडे को मील में मंचूरियन एंड चाउमिन मिलता है जो कि मैंने लिया था, एंड पास्ता भी मिलता है, बर्गर भी मिलता है, और हर दिन की अलग मील अपग्रेड हो गई तुम्हारे स्कूल की ना। एंड मील होती है जो उसमें फ्राइड राइस मिलते हैं, कभी फ्राइड तो चाइनीज मिलता है। बाबू की क्लास के बच्चों के लिए तो कंपलसरी है ना मील? हाँ बस काफी मिलता है, कैंटीन नहीं है, कैंटीन नहीं जाने देते, क्लास में ही देते हैं। और जब बाबू थर्ड में जाएगी तब उसके लिए। हाँ थर्ड में जब जाओगी तो अलाउ हो जाएगा कैंटीन जाना, अभी आपको क्लास में ही मिलेगा। अभी दीदी ला के देगी। अभी मैं छोटी हूँ तो मैं नहीं जाऊंगी। बाबू तुमको शेक कैसा लगा? अच्छा।